दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ और एक नए लेसन के साथ। दोस्तों, कहानी पूरी सुनिएगा तभी समझ आएगा कि क्या कहना चाहते हैं हम और क्या कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए। इस कहानी के थ्रू हम क्या समझ सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक होता है। तो ज्ञान पूरा ही मिले तभी उसका मजा है, तभी उससे फायदा मिल सकता है हमें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कहानी कुछ इस तरह थी, जो तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की स्टोरी है, बच्चों की कहानी है। और ये छोटे बच्चे हमें आज क्या सिखाने वाले हैं, देखते हैं क्या बोलने वाले हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि दो कुछ छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का बच्चा है और एक करीब 8 साल का बच्चा है। और दोनों बच्चों में बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़े इंजॉय करते हैं साथ में और छोटे से गांव में रहते हैं। तो ये जो दोनों बच्चे हैं, ये हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं और घूमते 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 दूर निकल जाते हैं और इन्हें पता नहीं चलता कि अपने गांव से काफी दूर करीब जंगलों की तरफ आ गए हैं। तो ये इन बच्चों को जंगल में बहुत अच्छा लगता है, ये पहली बार आए हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई गांव वाला आसपास नहीं है। तो पूरा उछल कूद मचा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं जंगल में। सडनली क्या होता है कि खेलते खेलते जो बड़ा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, वो एक गहरे कुएं में गिर जाता है। सूखा कुआं है और उसमें गिर जाता है, काफी गहरा कुआं है, वो करीब 20 फीट का कुआं है जिसमें ये बड़ा वाला बच्चा गिर जाता है। अब छोटे बच्चे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे मदद करूं, क्या कैसे किया जा सकता है। और छोटे बच्चे को अकेले गांव जाने का वापस रास्ता भी नहीं मालूम, तो वो करे क्या। तो बड़ा बच्चा उससे हेल्प मांगता है कि किसी भी तरह तुम मुझे निकालो, मेरी मदद करो। बट उसे ना कोई रस्सी मिलती है, ना कुछ और मिल रहा होता है, पर वो बड़ी मुशक्कत से करके किसी भी तरह धीरे धीरे कुएं में जाता है और उस बड़े बच्चे को अपने बोलता है कि तुम मेरी कमर पकड़ लो। और वो उस कमर को पकड़ के और धीरे धीरे वापस चढ़ता हुआ उन पत्थरों के थ्रू कुएं से बाहर आ जाता है बड़े बच्चे को लेकर के। तो दोनों बड़े खुश होते हैं, वापस खेलते खेलते चले जाते हैं अपने गांव में। वापस बड़े बच्चे को रास्ता मालूम होता है, तो दोनों बच्चे बताते हैं गांव वालों को कि किस तरह से वो बड़ा वाला बच्चा कुएं में गिर गया था और छोटे बच्चे ने उसकी जान बचाई। जब गांव वालों ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 20 फीट के कुएं में अंदर जाके कोई 5-6 साल का बच्चा और अपने से बड़े बच्चे को बाहर निकाल के ले आए, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। एक बड़ा व्यक्ति भी कुएं में, चाहे उसके पत्थरों को पकड़ के ही आना हो, 20 फीट के कुएं में अंदर जाना और किसी व्यक्ति को अपने कमर पे बांध के लेके आना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई गांव वाला उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। और बच्चे मन के सच्चे, वो सबको बोलते हैं नहीं सचमुच ऐसा हुआ था, हम सचमुच गए थे, और पर उनकी बात को कोई यकीन नहीं कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि गांव के सरपंच बोलते हैं कि जो गांव के बाहर साधु बाबा बैठते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वो जरूर बताएंगे कि इतने छोटे बच्चों ने झूठ कैसे बोलना सीखा, कहाँ से बोलना सीखा, इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो अगर ये बच्चों ने झूठ बोला है तो इनको हम उसकी सजा देंगे ताकि आगे से कभी झूठ ना बोलें। तो दोनों बच्चों को साधु बाबा के पास लेके जाते हैं गांव वाले और साधु बाबा से कहते हैं कि इस तरह से बच्चे बोल रहे हैं और ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ था। तो साधु बाबा कह रहे हैं अगर बच्चे कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, इसमें शक करने की गुंजाइश ही कहाँ है, और शक क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो लोग बोलते हैं कि नहीं बाबा, ये कर ही नहीं सकते, इतने छोटे बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं नहीं, इन्होंने किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो गांव के लोग पूछते हैं बाबा आपको इतना यकीन कैसे है। तो बाबा बोलते हैं कि ये कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि ये नहीं कर सकते, उस वक्त इन्हें कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम अंदर जा ही नहीं सकते, उस वक्त इन्हें कोई ये बताने वाला नहीं था कि अंदर जाने के बाद अपने से भी बड़े बच्चे को उठा करके अपने कमर के सहारे तुम बाहर वापस नहीं आ सकते।
तो उस वक्त इनको जो लगा कि मेरी जिंदगी के लिए, मेरी अपने बचाव के लिए बहुत जरूरी है, इन्होंने कर लिया, क्योंकि इन्हें कोई ये बोलने वाला नहीं था कि ये नहीं कर सकते। तो दोस्तों ठीक ऐसे ही इन बच्चों की तरह जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा भर जाता है, हमें ये बताने वाले लोग इतने सारे हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तुम इतने बड़े सपने कैसे देख रहे हो, ये तो किसी के पूरे नहीं हुए। तो दोस्तों हमें जो ना करने वाले लोग हैं, हमें पीछे खींचने वाले लोग हैं टांग पकड़ के, वो इतने सारे होते हैं कि हम खुद पे यकीन करना छोड़ चुके होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता है कि कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं हमारी सक्सेस की, हमारी जो अपनी कैपेबिलिटीज हैं वो इन्यूमरेबल हैं, अनलिमिटेड हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, व्हाट आवर माइंड कैन कंसीव एंड परसीव वी कैन ऑलवेज अचीव, बट उसके लिए हमें खुद पे यकीन तो होना पड़ेगा ना दोस्तों कि हम वाकई इसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की सीख यही थी कि जो आपको ये बताते रहते हैं ना कि तुम नहीं कर सकते, उनका साथ कम रखिए, उनसे थोड़ा दूरी ही बना के रखिए, और साथ उनका रखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें इन्यूमरेबल कैपेबिलिटीज हैं, तुम्हारी असीमित ताकत है, असीमित कैपेबिलिटीज हैं, तुम कहीं पे भी किसी भी ऊंचाई पे पहुंच सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। तो दोस्तों ऐसे लोगों का साथ जरूर बना के रखिए, और जो लोग आपको कहते हैं कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते उनसे दूरी रखिए, आप जिंदगी में अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। यही थी आज की सीख, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शपथ है।